मेरा बहुत गलती होता था पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सबको फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गाड़ी चलाना जब आप सीखते हैं, खास करके जब आपका लर्निंग फेज चलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं आप, तब एक चीज के बारे में मैं काफी लोगों को देखा, एक प्रॉब्लम होता है, वो है गियर शिफ्टिंग करना। आप जो ट्रेनिंग गाड़ी में सीखते हैं वहाँ पर आपका जो ट्रेनर होता है उनके पैर में भी कंट्रोल्स होता है, ब्रेक एंड क्लच का कंट्रोल होता है। तो कुछ लर्नर का क्या प्रॉब्लम है, वो गियर चेंज करने के टाइम क्लच प्रेस नहीं करते, भूल जाते हैं अक्सर, और कुछ लोग क्लच को फुल प्रेस नहीं करते। कभी कभी गियर जब अटक जाता है तब वो क्या करते हैं, फोर्सफुली गियर को एंगेज करने का कोशिश करते हैं। कभी कभी एक के जगह पे तीन नंबर गियर में लगा देते हैं, दो के जगह पे चार नंबर गियर में लगा देते हैं। पता नहीं चलते है उनको कि उनसे कैसे ठीक किया जाए। इस हालत में कभी कभी गाड़ी बंद भी हो जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ये सब सिचुएशन को ओवरकम कर सके। दोस्तों, आज यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, हालांकि इस टाइम में बारिश तो नहीं होता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग टाइप का हो रहा है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो मैं बता रहा था, कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि क्लच प्रेस करके गियर चेंज करना पड़ता है। गियर चेंज करने से पहले क्लच प्रेस करना मैंडेटरी है। पुराने जमाने में कुछ बसेस था, कार्स था, तो उसमें से कभी कभी किसी एक गियर बिना क्लच दबा के भी आप चेंज कर सकते हैं, मगर उस टाइप का सिचुएशन आजकल नहीं रहा। आजकल आपको जो मैनुअल कार्स मिलता है वहाँ पर आपको क्लच प्रेस करना ही पड़ेगा बिफोर यू चेंज द गियर। तो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, फुल क्लच मैंने किया, फर्स्ट गियर में एंगेज किया, अभी मैं धीरे धीरे क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, जैसे क्रीप फंक्शन होता है दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने गाड़ी चला रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, सपोज आपको पता है क्लच प्रेस करना पड़ेगा मगर आप क्लच को फुल प्रेस नहीं करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट आप क्लच को हाफ प्रेस करते हैं या प्रॉपरली प्रेशर नहीं देते हैं और गियर चेंज करने का कोशिश करते हैं। तो इस टाइप का सिचुएशन में दोस्तों गियर आपका खराब हो सकता है, एक अजीब सा आवाज निकल सकता है गियर का, और कभी कभी गियर में प्रॉपरली स्लॉटिंग भी नहीं होता है। तो दोस्तों, फुल क्लच प्रेस करके आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आपका गाड़ी का गियर खराब हो सकता है। और दोस्तों, थर्ड थिंग इज कि जब आप गियर को अप शिफ्ट करेंगे या डाउन शिफ्ट करेंगे तब आप गियर के तरफ मत देखिए, आप सीधा देखिए। अगर आप गियर के तरफ देख के गाड़ी का गियर चेंज करेंगे तो फॉर द मोमेंट यू चेंज द गियर एन एक्सीडेंट कैन हैपन। आपका आंख हमेशा रोड के तरफ होना चाहिए और सिचुएशन को जांच करना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ देखेंगे गाड़ी चलाने के वक्त, तब दोस्तों दुर्घटना घट सकती है। फोर्थ पॉइंट, जब एक लर्नर गाड़ी चलाना सीखते हैं उनको मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड गियर में गाड़ी चलाने का मौका मिलता है। पहले कुछ दिन तो फर्स्ट एंड सेकंड गियर में गाड़ी चलाने का मौका मिलता है और थोड़ी देर सीख जाने के बाद कभी कभी ट्रेनर ने थर्ड एंड फोर्थ गियर में भी अलाउ करते हैं गाड़ी चलाना। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट बात है, जब आप सेकेंड से फर्स्ट गियर करोगे तब आपका गाड़ी का स्पीड बहुत ही स्लो होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं गाड़ी स्टार्ट किया, सेकंड गियर में एंगेज किया और मैं अभी एक टर्न का तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ, एक 90 डिग्री टर्न है। तो यहाँ पर मुझे सपोज फर्स्ट गियर में डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं गाड़ी को डेड स्लो कर दिया, स्पीड लेस देन 10 किलोमीटर पर आवर है अभी। अभी मैंने फर्स्ट गियर में एंगेज किया, कभी ज़्यादा स्पीड में फर्स्ट गियर में एंगेज मत करिए। फर्स्ट गियर इज नॉट फॉर स्पीडिंग अप द कार। कहाँ पे फर्स्ट गियर यूज होता है, जहाँ पर पावर का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। सपोज आप एक स्टीफ हिल में क्लाइम कर रहे हो, नहीं तो एक गाड़ी को स्टेशनरी से मूव कर रहे हो, तो इस टाइप का सिचुएशन में दोस्तों फर्स्ट गियर का जरूरत पड़ता है। गाड़ी जब रनिंग हो जाता है, फ्रीली मूव करता है, तब दोस्तों फर्स्ट गियर का जरूरत नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप गाड़ी रनिंग अवस्था में स्पीड में अगर फर्स्ट गियर में डाउन शिफ्ट करोगे तो आपका गियर खराब हो सकता है।
कभी कभी लर्नर्स को अक्सर क्या होता है, गियर स्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं होता है। जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ, तो गाड़ी चलाने के वक्त शुरू शुरू में थोड़ा नर्वसनेस या टेंशन सभी को रहता है, बट धीरे धीरे आपको रिलैक्स्ड होना पड़ेगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और दोस्तों, जब आप गियर शिफ्ट करोगे, टेक योर टाइम, हड़बड़ी मत करो। तो हड़बड़ी में क्या होता है, अक्सर फर्स्ट गियर में स्लॉटिंग करने के वक्त थर्ड गियर में स्लॉट हो जाता है, और देखिए कैसा आवाज कर रहा है गाड़ी। तो इस तरह का आवाज आपको सुनना पड़ेगा। तो देखिए, मैं अभी सपोज गलती से थर्ड गियर में स्लॉट कर दिया इंस्टेड ऑफ फर्स्ट गियर, तो देखिए कैसा आवाज कर रहा था और गाड़ी बंद हो गया। तो दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम सभी को होता है, उनको पता नहीं चलता है कि फर्स्ट गियर के जगह थर्ड गियर में स्लॉट हो गया। तो इसे पता करने का एक उपाय है, उपाय यह है, आपको बहुत ही ध्यान से इंजन का नॉइज सुनना पड़ेगा, इंजन का साउंड या इंजन नोट जिसे कहते हैं, इसे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा। इंजन नोट सुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके जब आप गाड़ी चलाना सीखोगे। तो जब भी आपको लगेगा इंजन अजीब सा साउंड कर रहा है या गाड़ी को खींच नहीं पा रहा है, इमीडिएटली आप समझ लोगे कि आपका गियर स्लॉटिंग ठीक नहीं हुआ, तब आपको फुल क्लच प्रेस करके न्यूट्रल कर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों, गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा और तुरंत आप ठीक कर लेंगे, फर्स्ट गियर में स्लॉटिंग कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको अभी दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट टर्न में सपोज अभी मेरा सेकंड गियर में है, मैं गलती से एक के जगह तीन में लगा दिया, कैसे आवाज हुआ, मैं न्यूट्रल कर दिया, फिर दोबारा मैंने फर्स्ट गियर में स्लॉटिंग किया। जब भी अजीब सा एक ठक 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 करके आवाज होगा, तुरंत आपको फुल क्लच प्रेस करना पड़ेगा, गियर को न्यूट्रल में लाना पड़ेगा, एंड देन आपको प्रॉपर गियर में या करेक्ट गियर में स्लॉटिंग करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट गियर में एंगेज कीजिए, चलाइए। अभी इनको मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करा दिया, तो इसलिए दोस्तों इनका अभी उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे गाड़ी डेड स्लो करो, एंड देन यू हैव टू एंगेज इन फर्स्ट। ओके, राइट टर्न करो। सीधा चलो। ऑलरेडी 6-7 दिन ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सब प्रॉब्लम अभी उतना ज़्यादा नहीं होता है। सेकंड में डालो। अभी यहाँ पे डेड स्लो कर दो, एक में डालो, थोड़ा आगे जाके करना पड़ता था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, टर्न राइट, स्ट्रेट, अगर आप गलती से थर्ड गियर में एंगेज कर देंगे तो क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल, वन, गुड। अभी गलती नहीं होने वाला है इनका, मैंने इनको इस तरीके से सिखा दिया हूँ, पहले ये गलती करते थे, बहुत बार गलती हुआ, बट अभी दिमाग में पूरा घुस गया है। एग्जैक्टली, मेरा बहुत गलती होता था पहले,
एक नंबर गियर में डालने से तीन नंबर में चला जाता, तीन नंबर में चला जाता। तो मैंने उनको बताया गाड़ी का आवाज़ सुनो, इंजन का जो नोट है वो ठीक तरीके से सुनो, जब भी वो कट कट करके आवाज़ होगा, जब भी आपको लगेगा इंजन प्रॉपरली पावर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर गियर स्लॉटिंग इज़ नॉट करेक्ट, तो तभी आपको तुरंत न्यूट्रल में जाना पड़ेगा क्लच प्रेस करके एंड अगेन स्लॉट इनटू नंबर वन और द करेक्ट गियर। पहले ऐसा हो रहा था, कट कट करके आवाज़ कर रहा था क्योंकि गियर चेंज करने में थोड़ा देर हो गया था, उन्होंने तुरंत क्लच प्रेस करके न्यूट्रल कर दिया। पूरा रुकने का जरूरत नहीं है, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आपको अगर डाउट है तब आप रुक सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।